नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर बड़ी खबर, शिक्षकों को आदेश जारी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अगस्त में बज सकता है बिगुल, आयोग ने सभी डीएम के साथ की मीटिंग। नीतीश सरकार का महाअभियान कैसे होगा पूरा, वैक्सीन की डोज नहीं मिलने से टीकाकरण प्रभावित। पटना की सड़क पर उतरे पप्पू यादव के समर्थक, जेल से रिहाई की मांग, भारी पुलिस बल तैनात। बिना वैक्सीनेशन के ही मिल गया सर्टिफिकेट, छात्रा ने जब डीएम से शिकायत की तब टीका लगाने घर पहुंच गए स्वास्थ्यकर्मी। मगध विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए छात्रों को 8 दिनों की दी गई मोहलत, जानिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। 25वें स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी राजद, सालों बाद लालू भी होंगे मौजूद। बिहार में 30 सितंबर तक वाहनों के जुर्माना में छूट, लैप्स कागजातों के रिन्यूअल में भी नहीं लगेगी पेनाल्टी। बिहार में बड़े पैमाने पर सीओ का होगा ट्रांसफर, जानिए किन मानकों पर सरकार देगी नई पोस्टिंग। बिहार में 10 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, मतदाता सूची से बड़ी आबादी को बाहर करने की तैयारी। बिहार में कोरोना काल के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ गई है, ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है, इसीलिए नीतीश सरकार स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर पूरी प्लानिंग कर रही है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा है, इन्हें विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अगले महीने 6 जुलाई के बाद शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो सकती है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों को खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले फेज में विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 6 जुलाई के बाद खोला जाएगा। दूसरे चरण में हाई स्कूलों को खोला जा सकता है, जिसमें क्लास 9th से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। साथ ही कोचिंग संस्थान भी खोले जा सकते हैं। तीसरे चरण में प्राइमरी और मिडिल स्कूल को खोलने की बात सामने आ रही है। स्कूल खुलने के बाद कोरोना गाइडलाइन और एसओपी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, सामाजिक दूरी का रखरखाव अनिवार्य होगा। ईवीएम पर फंसे पेंच और कोरोना की दूसरी लहर के कारण भले ही बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए, लेकिन अब इसकी आहट दिखने लगी है। माना जा रहा है कि अगस्त महीने में बिहार के अंदर पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं और आयोग अभी से इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की। 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस बैठक में आयोग ने ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश की और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश भी दिए हैं। जिलों के डीएम के साथ बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि अगस्त महीने में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर कोषांगों के गठन का निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों को उनके लिए आवंटित किए गए ईवीएम को दूसरे राज्यों से लाने के लिए पदाधिकारियों का नाम देने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही उन्हें अपने यहाँ ईवीएम को रखने की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। साथ ही साथ उन जगहों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने को कहा गया है जहां ईवीएम को रखा जाएगा। नीतीश सरकार ने बड़े तामझाम के साथ 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का महाअभियान शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब सरकार के इस महाअभियान की हवा निकलने लगी है। वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। राज्य के 3 जिले मधेपुरा, शेखपुरा और सहरसा में शनिवार को एक भी वैक्सीन किसी व्यक्ति को नहीं लग पाई। वैक्सीन की किल्लत के कारण पटना के 156 केंद्रों में से केवल 5 पर ही टीकाकरण अभियान जारी रहा। यह 5 टीकाकरण केंद्र वे हैं जिनमें 24 घंटे टीकाकरण किया जा रहा है। जी हाँ, बीते रविवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। जाप ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब करो या मरो का नारा देते हुए जेल भरो अभियान का ऐलान किया है। बीते रविवार को पटना में पप्पू समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। इसके लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि वह पटना के कोतवाली थाने पहुंचे। जन अधिकार पार्टी ने राज्यभर से कार्यकर्ताओं को कोतवाली थाने पहुंचने का आह्वान किया था, जिसके कारण पटना में सैकड़ों की तादाद में पप्पू समर्थक कोतवाली और उसके आसपास पहुंचे। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि पप्पू बीमार होने के कारण दरभंगा के डीएमसीएच में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पप्पू ने जरूरतमंदों की खूब मदद की थी, सरकार की लगातार आलोचना भी कर रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित आवास से की गई थी। बाद में मधेपुरा पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई थी। पप्पू यादव को निचली अदालत से जमानत की राहत नहीं मिली और अब पटना हाईकोर्ट में उन्हें जमानत याचिका पर सुनवाई का इंतजार है।
सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल अक्सर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहा है। इस बार कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह सुर्खियों में है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन लिए बगैर ही एक छात्रा को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। 18 वर्षीय छात्रा स्वीटी प्रिया ने वैक्सीन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, जिसके बाद शनिवार को करीब 1 बजे का समय दिया गया था। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा मध्य विद्यालय लालपट्टी स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाए जाने का मैसेज प्राप्त हुआ। जब छात्रा स्वीटी प्रिया टीका लगवाने के लिए निर्धारित समय पर मध्य विद्यालय लालपट्टी पहुंची तो वैक्सीनेशन सेंटर ही बंद मिला, जिसके बाद जब छात्रा अपने परिजन के साथ त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने का कारण जानना चाहिए तो अस्पताल में मौजूद किसी भी कर्मचारियों ने इसका उचित जवाब नहीं दिया। थक हार कर छात्रा ने इसकी जानकारी अस्पताल के उपाधीक्षक को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी मोबाइल पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब तक बिना वैक्सीन लिए ही छात्रा को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद छात्रा इस बात को लेकर हैरान रह गई कि बिना टीका लगाया ही कैसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अस्पताल के उपाधीक्षक ने जब छात्रा के फोन को नहीं उठाया तब उसने इस बात की जानकारी जिलाधिकारी महेंद्र कुमार को दी, जिसके बाद अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक और कर्मचारियों की आंखें खुली और आनन फानन में अस्पताल के कर्मी छात्रा के घर पहुंच गए और टीकाकरण के लिए मान मनोबल करने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीका लगवाने की अपील किए जाने के बाद छात्रा ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। अस्पताल की लापरवाही को देखते हुए छात्रा ने सवाल खड़े कर दिए। छात्रा ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। छात्रा को वैक्सीन लगाने के लिए एएसडीएम प्रमोद कुमार, प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र दरबे और यूनिसेफ कोऑर्डिनेटर अनुपमा चौधरी छात्रा के घर पहुंचे। टीकाकरण के लिए छात्रा को समझाने की कोशिश की गई। छात्रा के परिजनों से भी इसके लिए बातचीत की गई, लेकिन छात्रा ने टीका लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को बेरंग लौटना पड़ा। मगध विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी करने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने इन छात्रों को एक बार फिर से मौका दिया है। इसके लिए पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन करने के लिए 8 दिनों का समय सीमा भी तय किया गया है, यानी आवेदन की तिथि अब आगे बढ़ा दी गई है। कई छात्रों ने यूनिवर्सिटी से विशेष आग्रह किया था, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। एएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर आरपीएस चौहान ने बताया कि पीएचडी के लिए अप्रैल में ही आवेदन जमा करने की समयावधि समाप्त हो चुकी थी। इससे पहले कि आवेदन तिथि को विस्तारित करने पर विचार हो पाता, कोविड-19 को लेकर विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी सहित लॉकडाउन के कारण आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, लेकिन कई छात्रों के आग्रह पर कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकृति प्रदान की और पीएचडी के लिए आवेदन करने से वंचित छात्रों को एक बार फिर से अवसर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल 5 जुलाई को पार्टी स्थापना दिवस की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर शनिवार की रात पार्टी प्रवक्ताओं की रावड़ी आवास पर बैठक भी हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी को और आक्रामक होना होगा। हालांकि इस बैठक में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मीटिंग में नहीं पहुंचे, जबकि वे इन दिनों पटना में ही हैं। प्रवक्ताओं की बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता श्याम रजक, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, भोला यादव, रामानुज प्रसाद समेत कई नेता उपस्थित थे। आगामी 30 सितंबर तक लैप्स वाहनों के कागजात पर जुर्माना नहीं देना होगा और न ही इसके रिन्यूअल में कोई पेनाल्टी राशि लगेगी। 1 फरवरी 2020 से लैप्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर यह लागू होगा। पहले जुर्माना से छूट की यह अवधि 30 जून तक ही थी, जिसे परिवहन विभाग ने 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैप्स कागजातों के रिन्यूअल नहीं होने को लेकर परेशान थे। ऐसे वाहन चालक जिनके डीएल पिछले दिनों लैप्स कर गए या जिनके वाहन के आरसी की अवधि समाप्त हो गई, कोरोना संक्रमण की आशंका के कारण इनके रिन्यूअल के लिए अभी डीटीओ कार्यालय में जाने से डर रहे हैं। वहीं 30 जून बीच जाने के बाद रिन्यूअल करवाने पर हेवी पेनाल्टी लगने और नहीं करवाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने और भारी जुर्माना का भय भी उन्हें सता रहा है। उन्हें अब 30 सितंबर तक न तो उनके वाहन कागजात के लैप्स होने के एवज में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लिया जा सकता है और न ही वाहन कागजातों का रिन्यूअल करवाने में कोई पेनाल्टी देनी पड़ेगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की कवायद शुरू हो गई है। 3 साल से एक ही जगह पर जमे अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मियों की कुंडली तैयार की जा रही है। इस बार तबादलों में महिलाओं की संख्या, अधिकारियों की रैंकिंग पर फोकस रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग की घोषणा की थी। राज मुख्यालय द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में 25% से अधिक अंक लाने वालों को ही अंचलों में पदस्थापन किया जाएगा। सबसे बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को उनकी पसंद की जगह तैनाती की सौगात देने जा रही है। कोरोना पर ब्रेक लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनको अक्टूबर नवंबर लक्ष्य कर अपनी तैयारियां शुरू करने को कहा है। आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रदेश के सभी डीएम को कहा है कि बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों की जनता को बाहर कर तेजी से पंचायत चुनाव मतदाता सूची तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी डीएम को ईवीएम के लिए वेयर हाउस का इंतजाम करने को भी कहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।